रिसेंटली कुछ आने वाली फिल्मों का बड़ी अपडेट अनाउंस हुई है और जहां पर दशहरा से शुरू करके जवान का अपडेट भी शामिल है, तो उस लिस्ट पर और कौन कौन सी फिल्म है जानने के लिए सुसन तक के वीडियो जरूर देखिए और एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। SSMB 29 का अपडेट और जहाँ पर यह है प्रिंस महेश बाबू और डायरेक्टर राजामौली साहब का अपकमिंग प्रोजेक्ट। और रिसेंटली इसका राइटर विजेंद्र प्रसाद ने रिवील किया है कि फिल्म राजामौली साहब का कैरियर में सबसे बेस्ट टैंट VFX और इमोशन वाला फिल्म होगा। हाँ दोस्तों, यानि कि बाहुबली RRR से भी बिगेस्ट फिल्म आ रही है SSMB 29। नंबर टू, सूर्या 42 और यहाँ पर यह है मारा सूर्या का अपकमिंग प्रोजेक्ट। और रिसेंटली टीम ने रिवील किया है कि इसका टाइटल प्रोमो का शूटिंग कंप्लीट हुआ है और सूर्या 42 का टाइटल और टीजर 14 अप्रैल रिलीज की जाएगा। नंबर थ्री, सालार अपडेट और यहाँ पर यह है रविस्टर प्रभाष का अपकमिंग प्रोजेक्ट और इसको डिट करी है प्रशांत नील ने। और यहाँ पर सभी लोग जानते हैं कि सालार पे होगा रॉक स्टार यश का स्पेशल कैमियो, पर अभी भी उन्होंने सेट पे ज्वाइन नहीं किया है और सुनने को मिला है कि यश ने यूरोपियन लोकेशन पर शूटिंग पे ज्वाइन करेंगे, यानि कि प्रभास और यश का एक एक्शन सीन यूरोप पे शूट किया जाएगा। नंबर फोर, पठान अपडेट और बादशाह SRK का तूफान वाला फिल्म रहा पठान और अभी फिल्म का सेलिब्रेशन चल रही है 50 डेज सक्सेसफुली रन का। 50 डेज होने के बावजूद भी अभी भी ये फिल्म 30 कंट्री पे चल रही है और जहाँ पर इंडिया पे अभी भी ये फिल्म 800 स्क्रीन और ओवरसीज पर 135 स्क्रीन पे रनिंग है। और इस साल का बिगेस्ट अचीवमेंट के लिए पठान टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन। नंबर फाइव, नितिन 32 और जहाँ पर टॉलीवुड का यंग एक्टर है नितिन और उनका अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रही है नितिन 32 जहाँ पर उन्हें स्मगलिंग लॉरी ड्राइवर का रोल प्ले करेंगे और इसका एक महीने का शूटिंग मारिदुमुल्ले फॉरेस्ट पर कंप्लीट हुआ है और काफ़ी जल्द ही फिल्म से रिलेटेड अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। नंबर सिक्स, कब्जा का अपडेट और सभी लोग जानते हैं कि कब्जा फिल्म 17 मार्च यानि कि 2 डेज के बाद ही ग्रैंड वेब पे रिलीज होगा। और तो दोस्तों, ये फिल्म वर्ल्ड वाइड पे 4000 स्क्रीन पे होगा रिलीज और अभी फिल्म का एडवांस बुकिंग चल रही है। दोस्तों, कब्जा का फर्स्ट शो क्या आपका कंफर्म हुई है या नहीं कमेंट पे बताइए। नंबर सेवन, लियो का अपडेट और जहाँ पर लियो है थलपति विजय का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और रिसेंटली डायरेक्टर लोकेश कनगराज ने अपनी कास्ट मेंबर के साथ लेटेस्ट पिक्चर शेयर करी है और जहाँ पर थलपति विजय के साथ उन्होंने एक पिक शेयर किया है एक न्यू हेयर लुक पे नजर रही है और साथ में उन्होंने बाबा संजय दत्त के साथ भी पिक शेयर किया है और इसके अलावा भी एक्टर मिस्किन और इसके अलावा भी उन्होंने गौतम मेनन के साथ भी किया है अपनी पिक शेयर। नंबर एट, जवान का अपडेट और तो दोस्तों, जहाँ पर यह है बादशाह शाहरुख खान का अपकमिंग फिल्म और जवान रिलीज करने का प्लान था 2 जून पर अभी मेकर्स ने फिल्म का रिलीज डेट चेंज किया है और मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म अक्टूबर पर रिलीज करने का चांसेस है। और तो दोस्तों, इसके अलावा भी विजय का कैमियो की बात करूँ तो जहाँ पर रिपोर्ट्स के मुताबिक जवान फिल्म पे थलपति विजय का लगभग 15 से 20 मिनट तक एक कैमियो होगा। नंबर नाइन, मल्टी स्टेरर नेक्स्ट और ये अपकमिंग कन्नड़ा फिल्म होगा जिसको डेट करी है KS रवि कुमार ने और इसमें पहली बार के लिए गोल्डन स्टार गणेश और सेंचुरी स्टार शिवराज कुमार को कोलाबोरेशन करते हुए नजर आएंगे और ये मल्टी स्टेरर फिल्म एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगा। नंबर टेन, कैप्टन मिलर अपडेट और जहाँ पर यह है धनुष राजा का अपकमिंग प्रोजेक्ट और दोस्तों, संदीप किशन ने भी कैप्टन मिलर पे होंगे। नंबर 11, टाइगर 3 लीक्ड पिक्चर और यह है भजन सलमान का नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट और इसी फिल्म का कुछ हेवी व्हीकल और कुछ बिहाइंड द सीन का पिक्चर सोशल मीडिया पर हुआ है लीक्ड और जो फैंस को काफी एक्साइटेड किया है और जो देख कर ये पता चलता है कि टाइगर 3 पे होगा काफी हाई ऑक्टेन एक्शन सीन। नंबर 12, मवीरन का राइट सोल्ड और यह है प्रिंस शिवा कार्तिकेयन का अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसका डिजिटल राइट लगभग 35 करोड़ में सोल्ड हुआ है। सैटेलाइट राइट सोल्ड हुआ है 30 करोड़ में, ऐसे करके मवीरन का टोटल नॉन थिएट्रिकल राइट सोल्ड हुआ है 80 करोड़ में और जो शिवा का कैरियर में है ऑल टाइम रिकॉर्ड वाला राइट सोल्ड। नंबर 13, सिंघम अगेन वर्सेज भूल भुलैया 3 और जहाँ पर एक तरफ
सुपरस्टार अजय देवगन का अपकमिंग फिल्म आ रही है सिंघम अगेन, जिसको डेट करी है रोहित शेट्टी ने, जहाँ पर अजय का होगा कॉपबल अफ्तर। दूसरी तरफ आ रही है कार्तिक आर्यन का अपकमिंग प्रोजेक्ट भूलभुलैया 3, जहाँ पर होगा हॉरर कॉमेडी फ्लेवर। और दोनों फिल्म ही दिवाली 2024 पे सेम डेट पे हो सकते हैं रिलीज। अजय वर्सेस कार्तिक का बॉक्स ऑफिस टक्कर नजर आएंगे। नंबर 14 अगिलान कलेक्शन, और यह रहा जयम रवि का रिसेंट रिलीज फिल्म। इसका अभी तक की कलेक्शन की बात करूं, जब इसका बजट था 20 करोड़, ये फिल्म 5 डेज पे लगभग 5 करोड़ का कलेक्शन दिया है, यानी कि अगिलान एक डिजास्टर फिल्म रहा। नंबर 15 मेल मैन शोज एट ऑस्कर। अच्छा दोस्तों, जहाँ पर ऑस्कर सेरेमनी के टाइम पे सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ मीडिया पे कौन सी एक्टर ज़्यादा मेंशन हुआ है, इसका लिस्ट पे नंबर 1 पे आ जाते हैं जूनियर एनटीआर, नंबर 2 पे मेगा पास्टर रामचरण, नंबर 3 पे है हुई खान, और नंबर 4 पे ब्रेंडन फ्रेसर, नंबर 5 पे पेड्रो पास्कल। नंबर 16 थुरामुखम कलेक्शन, ये रहा रिसेंट रिलीज निविन पावली का पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म, जहाँ पर चप्पा सिस्टम का ऊपर स्टोरी को दिखाई है, जिसका बजट था 15 करोड़। ये फिल्म फर्स्ट डे पे सिर्फ 80 लाख का कलेक्शन दिया था, और टोटल 5 डेज पे ये फिल्म दिया है 2 करोड़ की कलेक्शन, यानी कि निविन का ये फिल्म रहा डिजास्टर। नंबर 17 दशहरा ट्रेलर, और रिसेंटली रिलीज हुआ है नैचेस्टर नानी का अपकमिंग फिल्म दशहरा का ट्रेलर, और जहाँ पर ट्रेलर पे फिल्म से रिलेटेड एक स्टोरी देखने को मिला है, और साथ में कैरेक्टर को भी रिवील्ड की गई है। और इसमें नैचेस्टर नानी ने धारणी का रोल प्ले करी है, जिसमें उन्होंने एल्कोहलिक है और बाद में उनका पावरफुल लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और इसमें नानी का रहा रास्टिक राफ्ट पलायफ्तर, और उनका बॉडी लैंग्वेज से शुरू करके डिक्शन एक्शन सभी चीज़ें फैंस और ऑडियंस का दिल जीत लिया है, और ट्रेलर को मिली है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दोस्तों दशहरा ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट पे बताइए। दोस्तों ये रहा कुछ नए फिल्मों का बड़ी अपडेट के बारे में। ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और इसके बॉलीवुड और साउथ इंडियन मूवीज अपडेट पाने के लिए मलेशिया ज़ेन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।